आज हम यहाँ विधायक जी के निवास पर हैं। फतेह जी से आप ये मालूमात करते हैं, जो सड़क का तोहफा मुस्तफाबाद वालों को दिया है उसमें एक पैगाम देना चाहते हैं, और दूसरे नए साल की मुबारकबाद, और आज 25 दिसंबर भी है जी, मिलते हैं। विधायक जी, अपनी आवाम को क्या क्या और कहना चाहेंगे, पैगाम देना चाहेंगे, जैसे कि आपने आवाम को काफ़ी तोहफे दिए। मेरा ये कहना है कि जब क्षेत्र की जनता ने, पूरे आवाम ने आप पार्टी में अपना विश्वास जताया है, और इस विश्वास के साथ आम आदमी पार्टी के सभी दिल्ली के अंदर जो सरकार है हमारी, वो पूरे आवाम को हर तरीके से की समस्या से निजात दिलाने के लिए वचनबद्ध है, और वो इसी आवाम को पूरी मुस्तैदी के साथ दिल्ली की जनता को, पूरे आवाम को किस तरह से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, उसके लिए दिल्ली सरकार हर क्षेत्र में कार्यरत है। आपने देखा कि जो वादे किए थे आम आदमी पार्टी ने, वो सभी वादे लगभग इन 4 सालों में पूरे कर दिए। आगे भी सरकार का जो अपना गंतव्य है, वो पूरी मजबूती के साथ क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं, चाहे वो गोकलपुर विधानसभा हो। गोकलपुर विधानसभा में अनेकों विकास कार्य चल रहे हैं, पूरे विधानसभा में 90% सीवर का काम पूरा हो चुका है, और उसके बाद सड़कों का निर्माण कार्य आने वाले कुछ महीनों में शुरू होगा। सीवर के NOC सभी की, जहाँ 90% काम हो चुका है वहाँ सब जगह एस्टीमेट टेंडर वगैरह टेंडर की जो प्रक्रिया है वो आरंभ हो चुकी है। ब्रिजपुरी रोड का आपका विकास कार्य चल रहा है, सड़क और नालों का काम चल रहा, इसी प्रकार से भगीरथ विहार, चमन पार्क, इंदिरा विहार, कुछ गलियों में काम हो चुका है, कुछ में बाकी है, उनका काम भी आगे आने वाले समय में होने वाला है। सबसे बड़ी तोहफे की बात यह है कि 60 करोड़ की लागत से हमारे 2 वार्डों को पानी मिलने जा रहा है, जिसका काम लगभग UGR का पूरा हो चुका है, और उसके क्षेत्र में पूरी जगह, सभी जगह पानी की बड़ी लाइन भी डाल दी गई है। इसके बाद सभी क्षेत्रों में पानी की समुचित व्यवस्था दिल्ली सरकार की ओर से, जल बोर्ड की ओर से होने जा रही है, और सभी क्षेत्रों में लगभग 70 कॉलोनियों में सीवर का काम लगभग पूरे होने की स्थिति में है, और सभी 36 कॉलोनियों के हमने, जहाँ जहाँ सीवर 90% डल गए वहाँ पर सभी जगहों पर सभी कॉलोनियों के, 36 कॉलोनियों के एस्टीमेट बनकर जा चुके हैं, टेंडर की प्रक्रिया में है, और 2-3 महीने के अंदर अभी वो कार्य पूरे होने जा रहे हैं। हमारे हर्ष विहार का जेल रोड का 5 करोड़ का ठेका, उसका भी छूट गया, उसका भी काम शुरू हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि वे रास्ता, क्योंकि ब्लॉक है, सीवर डल रहे हैं इसलिए नाले का काम अभी शुरू न किया जाए। कई प्रकार की दिक्कतें भी आ रही हैं जी। एक समस्या और पब्लिक के बीच हम जब पहुँचे तो उन्होंने कहा कि अगर आप विधायक जी के पास जाएँ तो उनसे अनुरोध करें कि समय समय पर पहचान पत्र आधार कार्ड के कैंप लगाए जाएं हर क्षेत्र में। हमने सभी जगहों पर पहचान पत्र और आधार कार्ड के कैंप लगाए हुए, क्योंकि सरकार ने ये निश्चित किया था कि प्राइवेट स्तर पर इस प्रकार के कार्य ना हो, क्योंकि कुछ लोग पैसा लेकर के ऐसे उल्टे सीधे कार्ड बना करके लोगों को दे देते हैं, जिसके कारण से उन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार के स्तर पर ही अब ये कार्य हर जगह बैंकों पर, अपने DC ऑफिस में और सभी SDM ऑफिस में ये कार्य चल रहा है। आजकल आम आदमी पार्टी सरकार में कांग्रेस के नेता भी सम्मिलित हो रहे हैं जी, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें मेरा ये कहना है, अभी गोपाल राय जी के यहाँ 3-4 ने शपथ ली थी, शकील वगैरह ने, बहुत सारे लोग अभी अन्य पार्टियों के आम आदमी पार्टी की तरफ आ रहे हैं, और हम उनका स्वागत करते हैं। वो सदस्यता ग्रहण करने के लिए हमारे ये क्षेत्र में भी काफ़ी लोग निवेदन किए हुए हैं, और उनको भी हम अपनी पार्टी में, आप पार्टी में शामिल करने जा रहे हैं। ऐसे अनेकों कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ऑलरेडी पार्टी, आप पार्टी ज्वाइन कर ली है जी। 2019 में अपनी पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? 2019 में हमारी पार्टी लोकसभा के चुनाव में 700 सीटों पर विजय की ओर है, और उसी नियमित हमारे जितने भी प्रभारी हैं अपने अपने क्षेत्रों में पूरी मुस्तैदी के साथ। क्या किसी गठबंधन की ओर भी इशारा है? ये हाई कमान का जो फैसला होगा वो सबको मान्य होगा, और ये फैसले निचले स्तर पर नहीं होते जी। ये हाई कमान अपने उच्च स्तर पर ही अपने फैसले लेते हैं,
और संबंध में कोई भी निर्णय होगा जनता के सामने आएगा। ये निर्णय ऐसे होते हैं जो सार्वजनिक होते ही होते हैं। नया साल और 25 दिसंबर की मुबारकबाद, मैं आवाम को 25 दिसंबर की भी मुबारकबाद देता हूँ और आने वाले नए वर्ष की भी मुबारकबाद देता हूँ जी। आपसे जनता का मिलने का समय क्या से क्या रहता है? मेरा मिलने का समय वैसे तो अगर कोई मीटिंग ना हो तो 3-4 बजे तक मैं मिलता हूँ ऑफिस में, और लोगों के बीच में भी जाकर मिलता हूँ। लोगों के लिए कोई दिक्कत ना हो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है जी। धन्यवाद।